अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप देख रहे हैं टॉप टेन विजेन और मैं हूं गुलाम नबी मदनी दुनिया भर से आज की दस बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं नाज़रीन कर आज दस दिसंबर दो हजार बीस है और आज दिन है जुमेरात का ये टॉप टेन विजय का शाम का बुलेटिन है खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं जो आज की पहली बड़ी खबर है यह राज भारत से है ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं ये पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान ने दुनिया भर से मुतालबा किया है कि भारत की दहशतगर्दी के सबूत हमने दुनिया को दिए हैं और अब दुनिया के बड़े बड़े इदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया के ज़रिए से फिफ्थ जनरेशन वॉर फे लड़ रहा है और दुनिया को मिसगाइड कर रहा है दुनिया के अंदर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है लिहाजा भारत के खिलाफ दुनिया नोटस ले और भारत के खिलाफ दुनिया पाबंदियाँ आयद करें अजाम पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान ने यूरोप की जानब से जारी की गई एक रिपोर्ट को सराहा है कि पंद्रह साल तक भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा कर रहा है इसके अलावा नाजिक अमिताभ सामने आ रही हैं कि चाइना के खिलाफ भारत ने जापान से मदद तलब कर ली है और भारत जापान के साथ मिलकर अब जंगी मशकों का ऐलान कर चुका है साथ साथ आसिफिकास सामने आ रही हैं कि फ्रांस की असलह बनाने वाली कंपनियों की चांदी भारत ने करा दी है क्योंकि जो राफेल तैयारे खरीदे गए हैं भारत की जानब से फ्रांस से उसके बाद फ्रांस की जो जंगी जहाज बनाने वाली हैं, उनके जदीद हथियार तैयार करने का भारत दावा कर रहा है जबकि चाइना की जानब से भारत के इलाकों में पेशकदमी जारी है और भारतीय फौज लद्दाख के अंदर मुश्किल का सामना कर रही है आप जानते हैं नाजिक की मशरकी रियासतों के अंदर चाइना अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहा है और आज ताज़ा कार्रवाई के दौरान दस भारतीय फ़ौजी जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पर हलाक हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर एल ओ सी पर और इसी तरह से कश्मीर के अंदर मशरक़ी रियासतों में भारतीय फ़ौजी खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं जबकि अब भारत के अंदर किसानों की तहरीक उूज पर है किसानों के खिलाफ मोदी दहशत गर्द ने फोर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने शदीद तनकीद की है कि नई बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा है भारत की पार्लियामेंट की जब तक के अवाम को सहूलियत नहीं मिलेंगी अवाम के को हल नहीं किया जाएगा भारत आगे नहीं बढ़ सकता तरक्की नहीं कर सकता है इसके अलावा तो भी सामने आ रही है कि रियासत बंगाल के अंदर बीजेपी के गुंडे हमले कर रहे हैं और वहां पर स्टाल अंगेजी बढ़ चुकी है और बीजेपी के कई गुंडे मारे भी जा चुके हैं आगे बढ़े नाजिक्म जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है यह अफगानिस्तान के मामलों के हवाले से है नाजुक नाजुकाम अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया के सियासी दफ्तर के सरबरा मुला अब्दुल ग़नी बरदर ने एशिया की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि खत्े के अंदर अमन व अमान ज़रूरी है बिलखसूस अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को ब्लैक लिस्ट कर रखा है और साथ साथ तालिबान के कैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा है काबुल फौज ऑपरेशन कर रही है दोहा मुत के अंदर डेड लॉक है तातुल है। जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर क्याम अमन की राह में रुकावटें खड़ी हैं इसलिए जरूरी है कि दुनिया भर के, के अफ़ग़ानिस्तान के अंदर क्याम -अमन के लिए इन तमाम रुकावटों को दूर करवाएं आप जानते भर के मुख्तिक के सफी और वफूद तालिबान की आदत से दोहा में माहदे कर रहे हैं मुलाकातें कर रहे हैं यहां तक कि इंसानी हकूक के इदारे भी अफगान तालिबान की सियासी की आदत को अपनी कॉन्फ्रेंसों के अंदर मीटिंग्स के अंदर इन्वाइट कर रहे हैं जिससे वाजह होते हैं कि अब तालिबान ने अम अफगानिस्तान में इमारत इस्लामिया तो का आगाज कर दिया है इसके अलावा के खिलाफ काबुल हकूमत दावा कर रही है कि जाबुल के अंदर तालिबान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसमें दर्जनों तालिबान शहीद हुए हैं जबकि तालिबान ने इस खबर की नफी कर दी है जबकि नजर अफगान तालिबान के तर्जुमान जबी मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुख्तल सूबों से काबुल फौज के मुतद फौजी एहलकार तालिबान के सफों में शामिल हो गए हैं हथियार डालकर

एजेंसी को अफगानिस्तान के अंदर भारी खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है जबकि तालिबान और काबुल फौज के दरमियान झड़पें जारी हैं और ताजा कार्रवाई के मुताबिक जो आज सोलह से जायद काबुलौजी हलाक हुए हैं मुख्तलिफ कार्रवाई में और मुतद गिरफ्तार भी हुए हैं तालिबान का दावा है कि भारी माले गनीमत भी उन्हें हासिल हुए है आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाजिक रोहंग मुसलमानों के मसाइल के हवाले से है आप चाहते हैं रोहंग्या के मुसलमानों पर बर्मा के अंदर तहाल जुल्व तारी है है और जो लाखों रोहनगन मुसलमान बांग्लादेश के कैंपों में मौजूद हैं वहाँ भी उनके साथ इंतहाई बहिमाना सलूक किया जा रहा है हमें बहुत से ऐसे नाजरीन हैं हमारे जो रोहनगन कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो बंग्लादेश के अंदर मुकीम हैं या इसी तरह से यूरोप के अंदर और दीगर मुल्कों में जो हमारी वीडियोज़ को या हमारी ख़बरों को रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रबता किया है और उस रबते के दौरान उन्होंने हमें ऐसी तस्वीर भेजी हैं ऐसी वीडियोस भेजी हैं और ऐसी बातें बताई हैं कि रोहंगन कैंपों के अंदर किस कदर तशद किया जा रहा है काम इस वाले से जो हमें बताई गई रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि बांग्लादेश के अंदर कैंपों में मौजूद रोहंगन मुसलमानों को और खुवा को बिलखसूस जबरदस्ती उनको झूठ बोलकर उनसे एक ऐसे पेपर पर साइन किए जाते हैं दस्तखत उनके लिए जाते हैं कि जिन पर यह लिखा होता है कि वह अपनी खुशी से अपनी रजामंदी से जो दूर दराज जजीरें हैं उनमें वो जा रहे हैं लेकिन उनकी खुफिया वीडियोस भी कैमरों से बनाई जाती है ताकि दुनिया भर को ये ये शो करवाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से वो उन जजीरों पर जा रहे हैं बांग्लादेश की हकूमत की जानब से ये मामला सामने आ रहा है जो काबिल मजम्मत अमल है कि उनको धोखा दही से मुख्तफ जो जजीरें हैं वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और कुछ रिपोर्टें तो ऐसी भी मौसू हो रही हैं कि उनमें नौजवान लड़कियाँ हैं जिनको ज़बरदस्ती वहाँ भेजा जाता है फिर उनको फरोख किया जाता है को समगल किया जाता है और जिनसी तशद के वाक़ भी सामने आ रहे हैं नाजुक नाजिकाम इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी कुछ ऐसी तस्वीर देख रहे होंगे जिनसे आप बंग्लादेश के अंदर मौजूद रोहनगन कैंपों की सूरत हाल का जायज़ा ले सकते हैं कि किस तरह से वहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है और किस अजियत में रोहनगन मुसलमान मुकीम हैं यकीन इसमें बंग्लादेश की हकूमत की हकूत का इतना कसूर नहीं है जितना कि ओ आई सी का अव मतहद का और उम्म मुस्लिमा का मुशतरक़ा ये कसूर है क्योंकि इन सब की ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो बर्मा से इन रोहनगिन मुसलमानों को ना निकाल वहाँ पर जो होता है उस को ख़त्म करवाते और उनको वहाँ से निकलने पर जो मजबूर किया गया है इस मामले को रोकते और रोहनगिन मुसलमानों की पुरान वापसी राखाइम रियासत के अंदर करवाते लेकिन बदकस्मती से बर्मा के अंदर म्यांमार के अंदर वहाँ पर अब भी तशद जारी है म हो रहा है और दुनिया भर के अंदर रोहनगिन मुसलमानों पर तशद हो रहा है ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर बल्कि श्रीलंका के अंदर है, और इसी तरह से नाजिक नेपाल के अंदर है, भारत के अंदर, अंदर सब जगह पर मुसलमानों के मसाइल में इजाफा हो रहा है इसलिए दारी है भर के की जिम्मेदारी है कि वह रोहंगन कम्यूनिटी के लिए अपना किरदार अदा करें आगे बढ़ी जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज के मजालिम जारी है ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल इंटरनेट की बद की वजह से ऐसे सैकड़ों कश्मीरी तलबा हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं क्लासेस नहीं ले सकते हैं इजाफा हो रहा है सत्रह माह गुजर चुके हैं दरिंदा कवानी को खत्म नहीं किया है और कर्फ्यू की सूरत हाल है न सिर्फ इंटरनेट की सर्विस बंद हैं बल्कि ताजरों को तजारत के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसी वाले से नजवी काम आज श्रीनगर के अंदर और दीगर बड़े शहरों के अंदर मुजाहे हुए हैं पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में भी बड़ा मुजाहरा हुआ है पाकिस्तान ने कश्मीरों की हिमायत का अदा किया है जबकि आज का अमिता सामने आ रही हैं कि जैश मोहम्मद के नाम पर मज़ीद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और अतलात तो ये भी सामने आ रही हैं कि भारतीय पुलिस और फ़ौज मुश्तरक तौर पर कश्मीरी ख़वान को हिरासा भी कर रही है और लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन के नाम पर मुत्द कश्मीरों को गिरफ़्तार किया गया है और कैदियों की हालत भी जेलों के अंदर खतरनाक बताई जाती है और उनके साथ होता है। जिस तरह से पर या की, की जिम्मेदारी है कि वह कश्मीरी के हक में अपना किरदार अदा करें और कश्मीर की आजादी के लिए जो कुछ हो सके कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद की जाए कश्मीरी आवाम के लिए भी जरूरी है लाजि है कि वह गजवा हिंद लड़ने वाले कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की हिमात और मदद करें आगे बढ़ीआज की पांच बड़ी खबर है।, के के है।, आज आज है और मजीद वजारा के हमरा और फौजों के हमर बाहु थे और बाको के अंदर आजरबाइजान की फौजों ने और तुर्की की फौजों ने मुश्तर परेड में हिस्सा लिए हैं मिलिट्री जशन में हिस्सा लिए हैं और और तयबरदगान ने खिताब करते हुए कहा है कि अभी ये जंग रुकी नहीं है अभी यह मामला यहीं पर थमा नहीं है बल्कि अभी मजीद भी दुश्मन से इलाके आज़ाद करवाने हैं और आज़रबाई जान की हमायत और मदद करके तुर्की ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं तुर्की और आज़रबाईजान एक कौम है अगरचे रियासतें दो हैं हर वक्त आज़रबाईजान का तान और साथ दिया जाता रहेगा साथ साथ आर्मी को और फ्रांस को टारगेट करते हुए तयब अर्दगान ने कहा कि फ्रांस की पार्लियामेंट के अंदर मुतनाज़ करारदादें पेश हो रही हैं कि काराबा को आज़ाद रियासत बनाया जाए लेकिन इस फैसले को इस करारदाद को खुद आर्मीनिया जो फ्रांस का इतिहादी है वो भी तस्लीम नहीं कर रहा चे जाए कि इसे आजरबाई जान तस्लीम करे यही वजह नाजी काम तैयार बुर्दगान की जानब से आजरबाइजान के साथ मजीद एग्रीमेंट्स किए गए हैं और एक तरह से आजान के सदर इल्हाम अलीफ ने भी शुक्रिया अदा किया है बर्दगान का और कहा है कि ये सब कुछ है तुर्की और पाकिस्तान की जो सपोर्ट है हिमायत है उसकी वजह से ये सब मामला हुआ है और ऐसी काम अब इतलात सामने आ रही हैं कि अगला पड़ाव और अगला कदम मकबूजा कश्मीर भी हो सकता है तुर्क फौजों के लिए और इसी तरह से आर्मी से बाकी जो इलाके हैं वो भी आज़ाद करवा के आर्मीया को नक्शे से मिटाया जाएगा और इसे आजरबाईजान में शामिल कर दिया जाएगा जबकि आज की जो जश्न था या पेड थी इसे देखकर आर्मीनिया के अंदर मुजाहरों में और शिद्दत आ चुकी है और वह अपने वजीर अजम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं जो एक हाथ में तलवार उठाकर और एक हाथ में सलीब उठाकर मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग लड़ने के दावे कर रहे थे फहरह लाजी काम इसके अलावा इजलास ये भी सामने आ रही है कि आज, आज से दो रोजा इजलास शुरू हुआ है यूरोपीय यूनियन का यूरोपीय मालिक का जिसमें तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाने पर गौर किया जा रहा है प्रेशर डाला जा रहा है कि बाहर मुतवस्त के अंदर तुर्की क्यों गैस और पेट्रोल के झखर तलाश कर रहा है इस पर तुर्की के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और इसी तरह से तुर्की के दीगर अहदेदारों ने शदीद मजम्मत की है कि इससे यूरोप की बदमाशी जाहिर होती है तुर्की अपने मफाद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा जबकि नाजिकास सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानब से शाम के अंदर बसने वाले मुसलमानों की हिमायत का अदा किया गया है और इसी तरह से लीबिया की हकूमत का भी जो मदद है उसे जारी रखने का ऐलान किया किया गया है और इतरा सामने आ रही हैं कि बागी हफ्तर ने जो तुर्की की बाहरी जहाज को जो इमदादी सामान लेकर लीबिया जा रहा था उसे गिरफ्तार पकड़ा था तो उसे 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 रिहा कर छोड़ दिया गया है और उसे एक तरह से आजाद कर दिया गया है आगे बड़े आज की छठी बड़ी खबर है यह काम सऊदी अरब से है ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मक्का मुकरमा में टड्डी दल ने हमला किया है और हरम काबा हरम मक्की बैतुल्ला शरीफ में भी बेशुमार टड्डी दल टड्डी दल देखे गए हैं और ना सिर्फ हरा मक्की के अंदर बल्कि मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द जो बिलखसूस तइफ के इलाके हैं जहाँ पर कुछ बागात वगैरह भी हैं और खेती का इंतज़ाम भी होता है वहाँ पर बहुत सा नुकसान किया गया है लेकिन अब सऊदी इंतजामिया दावा कर रही है कि वहाँ पर हालात को कंट्रोल कर लिया गया है और टडी दल का जो हमला था उसे अब ख़त्म कर दिया गया है आप जानते हैं नाउिक तो दुनिया भर के अंदर सालाना बुनियादों पर टडी दल हमला करती हैं और तो इससे जो मुसलमानों की या आप कह सकते हैं इंसानों की जो खुराक होती है उसे वो साफ कर देते हैं उसे वो खा जाते हैं और कुछ रिवायात के अंदर इसे अजाब से भी तशबी दी गई है काम सऊदी अरब की जानब से हरम काबा और इसी तरह से हरम मक्की और हरम मदनी की खिदमत की जा रही हैं और वहां पर हाजियों को जायरीन को सहूलियात फराहम की जा रही हैं इसके अलावा नाशिका सामने आ रही हैं कि मक्का मुकरमा के अंदर बिलनादन कंपनी की क्रेन गिर गई थी जिसकी वजह से काफ़ी हजार कराम को नुकसान हुआ बहुत से शहीद भी हुए थे इस हवाले से जो बिल लादन कंपनी पर इल्जाम था कि उन्होंने एहतियाती तदाबीर को अख्तियार नहीं किया लेकिन अदालत ने फैसला किया है कि सबूतों से वाज हो चुका है कि उस दिन मौसम ज्यादा खराब था तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई थी उसके बावजूद भी यह कुदरती आफत के तौर पर क्रेंडिरी थी लिहाजा बिन लादन कंपनी को बरी कर दिया गया है साथ साथ काम एक और अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि सऊदी अरब की मुसलसल कोशिशों के बाद यमन के अंदर अब हालात बेहतर हो रहे हैं यमन

आगे बढ़े नाजुक काम जो आज की सातवीं बड़ी ख़बर है यह इसराइल मतहदा इमारत से है ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि जब से यू ए, ए ने इसराइल को तस्लीम किया है तब से फ़लस्तियों पर म तशद में इजाफ़ा हुआ है अब नाजुक काम मतहदा बमारा की जानब से बाकायदा ऐलान किया गया है कि मगरबी इलाके मगरबी इलाके जहाँ पर यहूदियों की आबादकारी है वहाँ की मनुआत को भी मेड इन इसराइल के नाम से यू ए कबूल करेगा उसे ख़रीदेगा हालांकि आप जानते हैं नाजिक काम मुतद ऐसी मसनूआत हैं जो मगरबी इलाकों के अंदर पैदा होती हैं लेकिन वहाँ पर गैरकानूनी यहूदी आबादकारी मौजूद है और यहूदी चाहते हैं कि फ़लस्तान का नामों निशान मिट जाए इसलिए गूगल से इंटरनेट से और इसी तरह से मैप से फ़लस्तान का नक्शे से नाम हटा दिया गया है और अब नाजिक जो फ़लस्तनी अशिया हैं या फल मसनुआत हैं उन पर से भी नाम ख़त्म करके मेड इन इसराइल का नाम लिखा जा रहा है और यू ए, -ए ने इस हवाले से एलान किया है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा वह मकरबी इलाकों के अंदर से आने वाली मसनुआत को भी मेड इन के नाम से कबूल करेंगे इजाजत देंगे और यह मुतार की तबाही और बर्बादी का बायस बन सकता है साथ साथ ना इता सामने आ रही है रिपोर्ट छपी है कि ना सिर्फ ईरान इसराइली सयाहों को दुबई और मुतह इमारात के दौरे करने पर वार्निंग दे रहा है बल्कि खुद मसाद एजेंसी भी इसराइल और यू ए के इसराइली सयाहों को तंग कर रहे हैं एयरपोर्ट पर उनके वीज़े के हवाले से मसाइल खड़े किए जा रहे हैं जबकि इसराइल के सयाह जो यू ए का विज़िट कर रहे हैं उन्हें वहाँ पर थ्रेट्स भी हैं और धमकीयों की वजह से वो डरे और सहमे हुए भी हैं इसके अलावा नाजिका इता सामने आ रही हैं कि दस साल के बाद पहली मरतबा सरकारी दौरे पर इसराइल के वज़ी अजम नैतन याहू डक्टेटर अब्दुलफ़ास सीसी की दावत पर आने वाले हफ्ते में दौरा कर रहे हैं मिस्र का और मिस्र के साथ जदीद और नए एग्रीमेंट करेंगे इससे पहले खुफिया दौरे मिस्र के दो तीन बार कर चुके हैं लेकिन एलानिया सरकारी दौरा पहली मरतबा नैतन याहू दस साल के बाद करने जा रहे हैं और आप जानते हैं डिक्टेटर डेटर अब्दुल्फता सीसी भी अखवानमसलम और, और इस्लाम पसंदों के खिलाफ जुल्म करता है और इस हवाले से जो फ़लस्तीनी हैं बिलखसूस गजा के लोग उनको भी रफा बॉर्डर से आने नहीं दी जाते हैं उनके खिलाफ भी तशद्द किया जाते हैं आगे बढ़ेकाम जो आज की आठवीं बड़ी खबर है काम फ्रांस से है ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि फ्रांस की पार्लियामेंट के अंदर दो बिल मंजूर कर लिए गए हैं एक बिल तो मुसलमानों के खिलाफ है कि मुसलमानों को वहां पर सियासी तौर पर एहत करने की इजाजत नहीं होगी और फ्रांस की हकूमत को इजाजत दी गई है कि वो किसी भी मुसलमानों की मस्जिद को छापा मारकर सील कर सकते हैं तफ्तीश कर सकते हैं और मुसलमानों को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज करें या मुजाह करें और मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए भी एक तरह से मंजूरी ले ली गई है और इसके अलावा दूसरा नाजुक काम यह है कि वहाँ पर पुलिस अगर किसी पर तशद करेगी तो उस तशद की वीडियो या तस्वीर बनाना जुर्म होगा अगर किसी ने बनाई तो उसे जेल जाना होगा और भारी जुर्माना अदा करना होगा यही वजह नासीिक फ्रांस के अंदर मुसलमान भी सरापा एहत हैं और जो दीगर फ्रांस की आवाम है वो भी एहताज कर रही है कि ये बदतरीन आमरीत है और पुलिस के ज़रिए से लोगों को कतल करवाने का लाइसेंस दिया गया है इसलिए फ़्रांस के अंदर पेरस के अंदर पुरतद मुजाहरे जारी हैं इमारतों को आग लगाई जा रही है पुलिस स्टेशन को जलाया जा रहा है और फ्रांस अपनी बड़ी तबाही से या आप कह सकते हैं बदतरीन तबाही से दो चार हो रहा है इसके अलावा डिक्टेटर अब्दुल सीसी ने दौरा किया था फ्रांस का और फ्रांस के सदर से मैक्रोन से अब्दुल सीसी ने मुलाकात की है और कहा है कि मिसर के अंदर भी जो ए, सियासी इस्लाम है उससे मिसर की हकूमत को खतरा है उन्होंने इस पर यह कहा है कि इखवान सियासी इस्लामी तहरीक चलाती है और सियासी पोलिटिकल इस्लाम के जरिए से मिसर की जो अमनो अमान है मिसर का जो अमन अमान है उसे खराब करने की कोशिश कोशिश कर रही है और इस वाले से काम जो इमानुल मैक्रोन है वो पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि इस्लाम बहरान का शिकार है मुसलमान गिर रहे हैं मुसलमानों के मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है और ख़ुद फ्रांसीसी सदर बारहा कह चुके हैं कि पोलिटिकल इस्लाम की इजाज़त नहीं होगी मुसलमानों को सियासी तौर पर किसी भी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होगी हालांकि नाजिक आप जानते हैं के दीन के साथ इस्लाम का और सियासत का बहुत गहरा रबत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है मदीना मुनवरा के अंदर जो ज्यासत मदीना की बुनियाद है उससे वाज होता है कि सियासत दीन से अलग नहीं हो सकती और दीन भी सियासी तौर पर मुसलमानों के गलबे की एक बड़ी अमत है इसलिए अब जो ये इस्लामी तहरीकों के ख़िलाफ़ करैड डाउन है बिलखसूस मिसर के अंदर ये दरअसल मग़रब का इस्तेमार का मुकम्मल मनसूबा है प्लान है कि दुनिया भर से मुसलमान तक के खिलाफ कार्रवाइया की जाए ताकि ये खिलाफत को बहाल ना कर सकें ताकि ये इस्लाम को गलबा न दिला सकें आगे बड़े आज की नौवीं बड़ी खबर है यह नाजुकाम लबनान से है ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लबनान में बैरूत धमाके हुए थे इसमें सबक वजी अजम हसन दयाब और उनकी काबीना के तीन वजरा जिम्मेदार ठहराया गया है कि उनकी गफलत की वजह से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ और बैरूत धमाके के अंदर की हकूमत को अरबों डॉलर का खमियाजा भुगतना पड़ा है अब उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमें शुरू कर दिए गए हैं और उन्हें सजाएं दी जाएंगी बहरानीरी कोख्तियार दिया गया था सादल हरीरी ने सदर से मुलाकात करके ऐलान किया है कि उन्होंने हकूमत की तशकील के लिए अपनी काबीना का इंतखब कर लिया है और मामला हल हो रहे हैं इसके अलावा नासी काम अमरीका के एक मशहूर जो मुसन्फ हैं उनकी जानब से रिपोर्ट में इंकशाफ हुए हैं कि अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से अपने अहदाफ को टारगेट करने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है मोहसिन ज़ादा को मुसाद ने इसराइल ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इसराइल से बैठ कर बासानी कत्ल किए हैं टारगेट किए है, है। इसलिए अब दुनिया को ज़्यादा महतात रहना चाहिए आगे बढ़े नाजिक जो आज की दसवीं बड़ी ख़बर है यह नाजिकाम ईरान से और अमरीका से है ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान की अरब रियासतों के साथ तजारत में इजाफा हुआ है श्त आठ माह के दौरान ईरान ने साढ़े आठ अरब डॉलर से जायद की अशिया पाँच अरब मुल्कों को भेजी हैं इनमें में सर फहरस्त इराक़ है और दूसरे नंबर पर मतहदर बीमारा है साढ़े तीन अरब डॉलर की चीज़ें ईरान से मतहदर इमारत को फरोख्त की गई हैं और पाँच अरब डॉलर के लगभग जो अशियाँ हैं वो नाजिक काम इराक़ को फरोख की गई हैं उसके बाद कतर कुवैत वग़ैरह और उमान को भी कुछ चीज़ें भेजी गई हैं आप जानते हैं यू ए सऊदी अरब के साथ शामिल होकर ईरान की दुश्मनी के दावे तो करता है और ईरान भी यू पर हमले के दावे करता है लेकिन हकीकत यह है कि इनके दरमियान बहुत अच्छे मरास हैं और तजारती है कि साढ़े तीन अरब मामूली रकम नहीं है तो ये साढ़े को, कि को मस्तरद किया है और उनकी कंपेन जारी है उन्होंने कहा है कि जो बाइडन जाली वोटों के जरिए जीतने का दावा कर रहे हैं मुख्त अदालंप ने जो मुकदमा हैं वो भी दर्ज करवा रखे हैं इस हवाले से सत्रह ने ट्रंप की जो का जो बयान है या है उसकी हिमायत की है कहा जाता है अब कोई मोजा ही हो सकता है जो किरदार में ला सकता है वरना जो बाइडन ने का कर है और अब वो पंद्रह जनवरी को बाकायदा हल्फ उठाकर अमरीका के सदर बन जाएंगे भारत काम दुनिया भर से थी आज की दस बड़ी खबरें इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरा आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज